आत्मा छोटा सा बिंदु, छोटा सा सितारा, सर्व संबंध के लगाव से संपूर्ण मुक्त, सर्व बंधनों से मुक्त होती जा रही हूं। मन और बुद्धि द्वारा देह और देह की दुनिया के आकर्षण से न्यारी होती जा रही हूं। मैं स्वयं को इस धरती के लगाव से मुक्त करती जा रही हूं। ये धरती का आंगन छोड़ बादलों से ऊपर, आकाश तत्व से पार, प्रकाश के कार्ब में कितना हल्कापन महसूस कर रही हूं। असली स्वरूप का अनुभव करने अपने वतन परमधाम की ओर जा रही हूं। दिव्य चक्षु द्वारा मैं अपने घर को देख रही हूं। सुनहरे लाल दिव्य प्रकाश के ये घर में कितनी असीम शांति है। मेरा यह प्यारा घर दिव्यता से आलोकित है। धाम में मणियों के समान चमकती आत्माओं को देख रही हूं। इस दिव्य लोक में कर्म भोग से मुक्त मैं कर्मातीत आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप, निराकारी स्वरूप में स्थित हूं। चारों तरफ शांति ही शांति है। अंतर चक्षु से मैं स्वयं को ज्योति पुंज के रूप में देख रही हूं। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का प्रभा मंडल फैला हुआ है।
कितना सुंदर दिव्य स्वरूप है ये। मुझ सितारे की कितनी सुंदर आभा है। यहां मैं अपने संपूर्ण अनादि स्थिति में स्थित हूं। यह संपूर्ण सत्वगुणी अनादि स्वरूप कितना सुखदाई है। मुझ सितारे में सारे गुण समाहित है। मैं अनेक गुणों का पुंज हूं। सर्व गुणों से संपन्न स्वरूप में स्थित हूं। मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा परम पवित्र है। इस प्यारे दिव्य वतन में चारों ओर अनंत पवित्रता की आभा बिखरी हुई है। चारों तरफ लाल सुनहरे प्रकाश की इस दुनिया में सिर्फ मैं और मेरा बाबा है। मैं ज्योति बिंदु पवित्र प्रकाश पुंज चक्षु से मैं परम ज्योति बिंदु शिव पिता को निहार रही हूं। मैं परम तेजस्वी शिव बाबा के सन्मुख हूं। बेहद के घर में मैं बेहद बाबा के साथ हूं। बाबा के सानिध्य में स्वयं को खुशकिस्मत महसूस कर रही हूं। प्राणेश्वर बाबा की किरणों रूपी बाहों ने मुझे अपने में समा लिया है। वृक्षपति शिव बाबा के साथ में मैं आत्मा बीज स्वरूप हूं।
अलौकिक पवित्रता का प्रकाश मुझ पर बरस रहा है। ये अनंत दिव्य किरणें मेरे भीतर तक समा रही है। मुझ आत्मा की जन्म जन्म की मैल उतर रही है। उस परम ज्योति बिंदु के समीप अनुभव के सागर में समाई हुई हूं। इस अखंड दिव्य ज्योति के देश में मेरे मीठे बाबा से प्रकाश और शक्ति की किरणें प्राप्त कर रही हूं। मैं समर्थ और शक्तिशाली बन रही हूं। बाबा की लाइट और माइट की शक्ति से मैं अपने पूर्व संस्कारों को मर्ज करती जा रही हूं। उनकी शक्तियों से भरपूर होकर मैं आत्मा भी बाप समान स्थिति का अनुभव कर रही हूं। प्यारे बाबा, आपकी ये संपूर्ण शक्तिशाली किरणें और दिव्य तेज मुझे भी आप समान तेजोमय बना रहा है। मैं ज्वाला स्वरूप आत्मा हूं। मेरे सारे विकर्मों दग्ध हो रहे हैं और मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है। मैं आत्मा बेदाग हीरा हूं, चमकता हुआ एक मणि हूं। मैं आत्मा निर्मल पावन हूं। मैं आत्मा शुद्ध और सत्य स्वरूप हूं। मैं शांत और समर्थ आत्मा हूं। मैं प्रकाशमय स्थिति में स्थित हूं।
मैं अशरीरी विदेही आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने अनादि संपूर्ण बीज स्वरूप में स्थित हूं। मेरा अनादि स्वरूप सर्व शक्तियों से भरपूर है। मेरे संपूर्णता के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। मैं निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी निरसंकल्प स्थिति में स्थित हूं। कोई संकल्प नहीं, कुछ क्षण मन को एकाग्र करती हूं उस दिव्य बिंदु स्वरूप में। मैं आत्मा अकाल मूरत हूं। भगवान ने मुझे अमर भव का वरदान दिया है। भाग्य विधाता वरदाता बाप के संग में मैं भी वरदानी स्थिति का अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा अमर हूं, अविनाशी हूं। मैं अपने संपूर्ण कर्मातीत अवस्था में हूं। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का कार्य है। बाबा, मेरे मीठे बाबा, कितना न शुक्रिया करूं। धन्यवाद करूं मैं आपका, जो आपने कितने प्यार से मुझ आत्मा को अपनी पवित्रता की विरासत दी है और अपने जैसा बना दिया है। विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तिमान बाबा ने मुझे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी दी है। दिलाराम बाबा मेरे दिल में है। मेरा दिल एकदम साफ प्रभु प्रेम से भरपूर
संपन्न, केवल दिलाराम को ही दिल में बसाए हुए अब मैं आत्मा जगमगाता सितारा सर्व वरदानों से भरपूर होकर इस साकार दुनिया में वरदान और शक्तियों समस्त आत्माओं पर बरसाने के लिए अन्य आत्माओं को भी भरपूर करने के लिए इस रूहानी सेवा के लिए मैं साकार वतन में अवतरित होती हूं। इस श्रेष्ठ संपूर्ण स्वमान में स्थित मैं वापस साकारी शरीर में प्रकृति के मध्य अवतरित होती हूं। मेरा अंग अंग शीतल और रूहानियत से भरपूर है। मैं आत्मा इस रूहानी प्रकाश के गर्भ में बैठी हूं। रूहानी लाइट और माइट से सुसज्जित हूं। दिल में दिलाराम बाबा, करण करावनहार बाबा के साथ सर्व के लिए प्रेम, दया, कृपा, स्नेह भाव के प्रकंपन फैला रही हूं। प्यारे बाबा के साथ पूरे विश्व में भ्रमण कर रही हूं। प्रकृति, मनुष्यात्माएं सबको शीतलता का जल, प्रभु प्रेम, प्रभु कृपा, रूहानी स्नेह के प्रकंपन दे रही हूं। स्वतः ही आत्माएं अपने अपने स्वभाव संस्कार अनुसार यथाशक्ति जिसे जो चाहिए वो पाने के लिए बाबा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सेवाधारी बन अपने सहयोगी इष्ट देव फरिश्तों की सेवा में तत्पर है, सहयोगी है। स्वयं की स्थिति
कितनी सुंदर, सुखदाई, आनंदमय है। दिल बार बार यही गीत गा रहा है, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, इस ड्रामा के चक्र में कितना श्रेष्ठ पाठ है मेरा।